अभी हाल ही में आए विधानसभा नतीजों पर कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के ही सहयोगी दलों ने ही कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं इस रेस में सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने कांग्रेस का समर्थन किया है और सपा से कांग्रेस को सावधान रहने की नसीहत दे दी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की हार का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, इसलिए कांग्रेस के सारे समीकरण बिगड़ गए। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में जो नतीजे आए, उन नतीजे पर गौर और फिक्र करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इन राज्यों में समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस इलेक्शन हार गई और कांग्रेस को जो भारी नुकसान हुआ वो अखिलेश यादव की तकरीरें थी। उन्होंने कांग्रेस को जगह जगह चोर पार्टी कहा, धोखेबाज पार्टी कहा और उन्होंने ख़ास तौर पर एक काम ये किया कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उन्होंने हर मुस्लिम बहुल इलाकों में उतार दिए, इसलिए जितना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिला उससे बहुत कम वोटों में कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। इसके साथ ही मौलाना ने कांग्रेस को गठबंधन में सपा को अपने साथ लाने पर भी विचार करने की सलाह दी और अखिलेश यादव को बताया कि वो भरोसेमंद नेता नहीं है। मैं उनको मशवरा देना चाहता हूं कि वो अपने साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को वो साथ में शामिल न करें और अखिलेश यादव पर कतन भरोसा न करें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अखिलेश यादव पर भरोसा किया, मगर वो उन्होंने पूरे तरीके से मुसलमानों के भरोसे को तोड़ दिया है और वो भरोसा करने के लायक नहीं है। वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कांग्रेस और उसके गठबंधन को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा और जो दूसरे दल हैं उन दलों को अपने गठबंधन में शामिल करें और अखिलेश यादव को किनारे और यानी हाशिए पे कर दिया जाए। इस तरह से मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान अब सुर्खियों में छा गया है, क्योंकि उनका बयान भी ऐसे वक्त में आया है जब हर कोई कांग्रेस को कोसने लगा है। अब मौलाना के बयान पर कांग्रेस विचार करती है या नहीं, उस पर सियासी गलियारों में इस बयान का शोर तो जरूर मचने वाला है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।